यदि आप किसी काम के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आज से दो दिन तक देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा, जिसकी वजह से आम लोगों को बैंक से जुड़े कामकाज को निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। बता दें कि दो दिन की हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया है। यह हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को होगी। बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा है कि हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रयास के विरोध में किया गया है। साथ ही ऑल इंडिया बैंक ऑफिस कन्फेडरेशन के महासचिव ने बताया है कि अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष दोनों पक्षों में सुलह की भी कोशिश विफल रही है, जिसकी वजह से यूनियन ने हड़ताल पर जाने के फैसले को कायम रखा है। UFBU के संयोजक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत 16 और 17 दिसंबर को पूरे देश के बैंकों में दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है। बैंक की हड़ताल से आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने पहले ही ग्राहकों को हड़ताल के लेकर पहले ही सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से उनके चेक क्लियरेंस और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। दो दिन के हड़ताल के बाद रविवार यानी 19 दिसंबर को छुट्टी की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।